आज हम बनाने वाले हैं चटपटी बोर की चटनी। ये राजस्थान की रेसिपी है, लेकिन इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसे अब हम पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस करने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेश बैर ले लिया है मैंने, और इन्हें हम पानी में खूब बढ़िया से धुल लेंगे ताकि इसके ऊपर थोड़े से जो डस्ट हैं वो सब साफ हो जाए। ये एक तरह का फ्रूट होता है बैर, और ये शिव भगवान जी को भी चढ़ाया जाता है पूजा में। तो अब फिर उसी बाउल में हम फिर से दूसरा साफ पानी डालेंगे और इसमें थोड़ी सी हरी फ्रेश धनिया पत्तियों को भी धुल लेंगे, और उस पानी को फेंक करके फिर से इसमें हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची, यानी ये थोड़ी सी जो लाल हो गई है ना, उसे भी मैंने डाल करके बढ़िया सा धुल लिया है। इसे हमारे चटनी का जो कलर है बहुत ही मज़ेदार की आ जाएगी। इसी के साथ 7 से 8 लहसुन की कलियां और जो धुली हुई धनिया पत्ती है उसे भी इस तरीके से हल्का हल्का सा काट करके इसे डाल देंगे, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, और इन सभी को खूब बढ़िया से कूट लेना है, यानी दरदरा जब हो जाए तब तक के, कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने बोर धुल करके रखा है, उसे मैं यहाँ पर 3 डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 3 की क्वांटिटी परफेक्ट होती है। अब इन्हें हमें खूब बढ़िया से कूटते हुए इस तरीके से बढ़िया सा बारीक बना लेना है। इसके बीज को निकाल दें और इसे हम सर्व करेंगे मस्त, गर्मा गर्म रोटी या दाल चावल के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार की है हमारी स्पाइसी सी चटनी तैयार हो गई है। अगर आपको फीका लग रहा है कोई खाना, तो एक बार इस तरीके से ज़रूर इस चटनी को ट्राई करें, आप सच में एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।